स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? SCERT के निर्देशन में उत्कर्ष के लिए एजुसेट टेलीकास्ट हेतु तैयार इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। आज हम आठवीं कक्षा के छठे पाठ दहन और ज्वाला के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, दहन के बारे में आप सबने कुछ न कुछ अवश्य सुना होगा। दहन को सामान्य बोलचाल की भाषा में जलना कहा जाता है, जलना यानी आग से संबंधित। और प्यारे बच्चों, सामान्य दैनंदिन दिनचर्या में हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि आग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा ही हम भोजन पकाते हैं, इसके द्वारा ही हम बहुत सी क्रियाएं करते हैं। और आग यानी दहन, दहन कहाँ पर संपन्न होता है? दहन के लिए कुछ तत्व आवश्यक होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे दहन के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? दहन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है जो सामग्री जिसका दहन होगा, जो जलेगी, उसे हम ईंधन कहते हैं। क्या आप कुछ ईंधन के नाम बता सकते हो? जैसे हम हमारे ग्रामीण परिवेश में चूल्हों में उपलों का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, यह भी एक ईंधन है। और हम स्टोव चलाने के लिए केरोसिन का उपयोग करेंगे तो वह भी एक ईंधन है। और हमारे मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियां आदि चलती हैं, उनके अंदर पेट्रोल डीजल जो जलता है वह भी एक प्रकार का ईंधन है, क्योंकि उसके जलने से ही उनके अंदर गति उत्पन्न होती है। हाँ बिल्कुल, आजकल स्वच्छ ईंधन के रूप में LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी LPG को बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, CNG संघनित प्राकृतिक गैस, ये भी हमारे ईंधन हैं। इसी प्रकार के अनेक ईंधन हम आसपास देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम आसपास जिन पदार्थों को देखते हैं वो सभी ईंधन नहीं होते, वो सभी नहीं जलते, वो सभी दाह्य नहीं होते, केवल कुछ पदार्थ ही जलते हैं। आओ इसके बारे में हम प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, यह आप सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सामग्री है। हम क्रियाकलाप के माध्यम से यह देखेंगे कि इनमें से कौन सी सामग्री, कौन सा पदार्थ दाह्य है यानी जलता है और कौन सा दाह्य नहीं है, कौन सा नहीं जलता है। आप यह क्रियाकलाप अकेले बिना किसी शिक्षक के निर्देशन में नहीं करेंगे, इसलिए मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक बर्नर है, इसमें स्प्रिट डाला जाता है। मेरे पास यह एक माचिस है, यह एक मोमबत्ती है, और यह इसका प्रयोग हमने पहले भी किया होगा, मैग्नीशियम रिबन। यह लोहे का एक नट, यह पत्थर का एक टुकड़ा, यह अखबार का एक टुकड़ा और यह धागा। तो आइए एक एक करके इन पदार्थों की दाह्यता देखते हैं। सबसे पहले माचिस की तीली, माचिस की एक तीली निकाली और ये देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर घर्षण करता हूँ ये जल पड़ी, यानी ये दाह्य है। और इससे मैंने ये मोमबत्ती जलाई। बच्चे सावधानी, पहले भी बताया था प्रयोग को अकेले नहीं करेंगे। तो माचिस की तीली दाह्य है, तो ये क्या हुआ, माचिस की तीली दाह्य। मोमबत्ती का मोम आप देखेंगे पिघल रहा है, पिघल के द्रव हुआ और द्रव हो करके फिर धागे के माध्यम से जल रहा है, तो मोम भी क्या है, दाह्य पदार्थ है। और देखिएगा, अगर हम इस पत्थर को जलाने की कोशिश करें
कितनी ही देर इसको हम रखें देखिएगा, काला हो गया लेकिन जल नहीं रहा है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? पत्थर अदाह्य है, पत्थर नहीं जलेगा, यह ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। हमारा चोक देखिएगा, चोक को जला के देखें क्या ये दाह्य है कि नहीं। इसको हम लो के ऊपर करेंगे और कितनी भी देर करें ये भी नहीं जलता। इसका मतलब ये भी दाह्य नहीं है। और देखिएगा, और मेरे पास सूखी पत्तियों की एक टहनी है, या इस तरफ देखिएगा टहनी सूख करके लकड़ी बनती है। अब इसको जला के देखें ये दाह्य है कि नहीं। देखिएगा ये जलना शुरू हो गई है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? ये पत्तियां दाह्य हैं, ये जलती हैं। और एक और विशेष बात, जब ये जलती हैं तो आप देखेंगे तो ये धुआं छोड़ती हैं, और इन पत्तियों की जल करके राख बनती है। यह हमारे ईंधन के अवशेष होते हैं। कुछ ईंधन अवशेष छोड़ते हैं, कुछ नहीं। मोम जल रहा है, अवशेष नहीं छोड़ रहा। पत्तियां और लकड़ी जब भी जलती है तो अवशेष छोड़ती है। ये देखिएगा लकड़ी भी क्या है हमारी? दाह्य। ये जलना शुरू हो चुकी है लो के साथ। देखिएगा लकड़ी भी क्या है हमारी? दाह्य, जल रही है। और लकड़ी दाह्य, हमारे सूखे पत्ते दाह्य, इनको हम रख देंगे। और अखबार के माध्यम से देखें प्यारे बच्चों, ये प्रयोग आपको अकेले नहीं करना है। कपड़ों के ऊपर गिर करके चोट लग सकती है। और ये कागज, अखबार का टुकड़ा, खराब कागज का टुकड़ा, देखिएगा ये दाह्य है कि नहीं। ये जल रहा है एक तेज लौ के साथ, तो ये क्या है? दाह्य है। अब धागे को देखते हैं कि ये दाह्य है कि नहीं। मेरे पास ये धागे का हमने टुकड़ा लिया, इसको जला करके देखते हैं, ये भी क्या है? दाह्य, जल रहा है। इसका अभिप्राय यह दाह्य है। अगर हम नट को पकड़ करके गर्म करके देखेंगे प्यारे बच्चों, धातुएं एक तरफ से ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगर इसको जलाने की, गर्म करने की कोशिश करेंगे तो इधर से गर्म हो सकती हैं, इसलिए सावधानी से इसको प्लास या प्लायर से पकड़ें। इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं जलता। लोहे की कील या नट नहीं जलता। इसका अभिप्राय क्या हुआ? यह दाह्य नहीं है। तो इसको भी यहाँ रख देते हैं। और देखिएगा इसके अंदर हमने स्प्रिट डाला, केरोसिन डाल सकते हैं, पेट्रोल डीजल डाल सकते हैं। ये देखें कि दाह्य है कि नहीं। देखिएगा कितना जल्दी से इसने आंच पकड़ ली। यह है अति दाह्य है, बहुत जल्दी से जलता है। तो प्यारे बच्चों, इन प्रयोगों से हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ दाह्य है और कौन सा नहीं। और ये देखिएगा, ये मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम भी एक धातु है। हमने लोहे का नट लिया था, यह भी एक धातु थी। लोहा अदाह्य है, लेकिन मैग्नीशियम को अगर जला के देखेंगे तो, मैग्नीशियम को देखेंगे तो किस तरह से जलता है, सब ध्यान से देखेंगे। मैग्नीशियम तेज लौ के साथ जलता है, सफेद लौ के साथ। देखिएगा इसकी ज्वाला कैसी है।
इस प्रयोग से हम जान सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के जलते हुए ज्वाला भिन्न भिन्न होती है। जैसे मोमबत्ती की ज्वाला हमारी चमकदार नीली काली होती है और मैग्नीशियम के रिबन को हमने जलाया था वह तेज सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है। लकड़ी भी लो के साथ जलती है। अगर कोयले का हम दहन करेंगे तो वह बिना लो के जलता है। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा क्रियाकलाप? आइए अब कुछ और चर्चा करते हैं। अरे बच्चों, हमने दाह्य और अदाह्य पदार्थों के बारे में जाना, यानी परिणाम क्या निकला कि दहन के लिए एक दाह्य पदार्थ होना आवश्यक है, तभी दहन की प्रक्रिया होगी। और क्या केवल दाह्य पदार्थ होने पर ही दहन आरंभ हो जाता है? दाह्य पदार्थ ये मोम हमारे पास है, लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है, केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, क्या वो अपने आप जल पड़ते हैं? क्या अपने आप जलना शुरू हो जाते हैं? हमने अभी प्रयोग से देखा था कि माचिस की तीली दाह्य है, लेकिन यह अपने आप तो नहीं जली। तो किसी भी दाह्य पदार्थ में दहन आरंभ करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। वह प्रक्रिया क्या होती है कि उस पदार्थ का ज्वलन आरंभ होने के लिए एक निश्चित ताप होता है प्रत्येक पदार्थ का। जैसे इस तीली का जो ज्वलन का आरंभ करने का तापमान है वह इसके घर्षण से प्राप्त किया जाता है। देखिएगा, ये खुरदरी सतह और ये इसके ऊपर लगा हुआ मसाला, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। यह कुछ रसायन लगा हुआ है, यह खुरदरी सतह है और इस रसायनों के बीच घर्षण हो करके एक ऐसा ताप यह तीली प्राप्त कर लेती है कि इससे ज्वलन आरंभ हो जाता है। तो ये तीली का ज्वलन आरंभ करने का तापमान इस घर्षण से प्राप्त कर लिया गया। यह मोम भी दाह्य पदार्थ है, इसका ज्वलन आरंभ नहीं हुआ। इसका ज्वलन आरंभ करने के लिए, उस निश्चित ताप तक पहुंचने के लिए हम इस तीली का प्रयोग करेंगे और जैसे ही उस ताप तक पहुंचेगा मोम में भी दहन आरंभ हो जाता है। प्यारे बच्चों, वह तापमान जिस पर कोई दाह्य पदार्थ या ईंधन जलना आरंभ करता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये क्या हुआ? ज्वलन ताप। प्यारे बच्चों, यह दाह्य पदार्थ या यह वस्तु या यह ईंधन देखिएगा आराम से जल रहा है। इसमें आवश्यकता क्या रही? एक दाह्य पदार्थ की, एक ईंधन की या मोम की, और उसके ज्वलन ताप की। क्या ये दोनों आवश्यकताएं पूर्ण होने पर ही हमारी दहन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिएगा, इस मोम बत्ती को हमने जला दिया और यह आराम से जल रही है। क्या है, यहाँ पर एक ईंधन और ज्वलन ताप प्राप्त करके दहन आरंभ हुआ और अब इसके ऊपर मैं इस बीकर को उल्टा रखता हूँ। देखिएगा, बिल्कुल ईंधन भी है, ज्वलन ताप भी, दहन भी आरंभ हो गया और अब देखिएगा क्या ये जल रही है। ये बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका अभिप्राय कुछ और भी ऐसा है जो दहन के लिए आवश्यक है। वह क्या है? हमने इस बीकर को रख के क्या किया? देखिएगा, यहाँ जो दहन की प्रक्रिया चल रही थी, ईंधन ज्वलन ताप से आरंभ करके, जला करके आरंभ करके दहन, इसके चारों तरफ हवा थी और जैसे ही हमने बीकर से ढक करके इसके अंदर की अतिरिक्त हवा को यहाँ पहुँचने से रोक दिया, जैसे ही बीकर ढका कुछ देर तक यह मोमबत्ती जली
वह क्यों जली? क्योंकि बीकर के अंदर कुछ हवा थी और जैसे ही दहन से उस हवा का कुछ भाग समाप्त हुआ वह मोमबत्ती बुझ गई। अब यानी जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। अगर हवा के प्रवाह को दहन के पास से हटा लिया जाए तो दहन बंद हो जाता है, लेकिन हवा में भी तो कई प्रकार की गैसें हैं। नाइट्रोजन है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ और अन्य गैसें हैं। तो दहन में कौन सी गैस उपयोग में आती है, इसके लिए आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, यह क्रियाकलाप बहुत ही सरल है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि दहन में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। देखिए, मेरे सामने एक ये पारदर्शी डब्बा है। प्रयोगशाला में इसके स्थान पर हम द्रोण का प्रयोग करते हैं, या टब का, जो पारदर्शी कांच का टब होता है। और यह एक स्टैंड के लिए द्रोणिका, इसके ऊपर देखिए मैं पानी में रख देता हूँ। इसमें एक तरफ छेद है पानी जाने के लिए, दूसरा इधर छेद। और जैसा पिछले प्रयोग में हमने किया था, पिछले क्रियाकलाप में किया था, एक मोमबत्ती दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, इसका प्रयोग करने के लिए हम इस मोमबत्ती में दहन को आरंभ करते हैं, यानी इसे जलाते हैं। जैसे ही ज्वलन ताप तक पहुंचेगी, मोमबत्ती का हमारा दहन आरंभ हो जाएगा। देखिएगा, मोमबत्ती की ज्वाला लो आरंभ हुई। दूसरा मेरे पास एक जार है। प्यारे बच्चों, हमें पता है हमारी वायु के संघटक क्या क्या हैं। वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, यानी लगभग 80%। 78% नाइट्रोजन होती है और 19-20% ऑक्सीजन, और हमारी 2% अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, नमी आदि होते हैं। तो मैंने हमारी वायुमंडल की वायु के परिमाण को मापने के लिए कि कितने प्रतिशत हमारी गैस इसके अंदर प्रयोग की जाएगी दहन में, इसके ऊपर कुछ अनुमानित पैमाना बना लिया है। इस पूरे को 10 बराबर भागों में बांट लिया और गिनती लिख दी। पहला भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अनुमानित है। तो हमने लगा दिया तो हमें अनुमान आ जाएगा इसमें 78% वाली गैस जली या 20% वाली या 2-3% वाली। हम क्या करेंगे, पहले प्रयोग की तरह से ही यह मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर इस जार को ढक देंगे। यहाँ दहन चल रहा है तो दहन के अंदर जो हमारी वायु थी, वायु में से कोई गैस जो दहन के लिए आवश्यक है वह उसका दहन होगा, तो वह प्रयोग कर ली जाएगी। तो उस रिक्त स्थान पर क्या होगा, उसकी जगह लेने के लिए पानी ऊपर चढ़ेगा। तो जितना पानी ऊपर चढ़ता है हमें पता चल जाएगा कि उतना ही गैस का उपयोग दहन में हुआ है। वो कितने भाग चढ़ेगा उससे हम गैस का अनुमान लगाएंगे कि वो कौन सी गैस है। तो आरंभ करते हैं, ये मोमबत्ती ज्वाला के साथ जल रही है, दहन यहाँ पर हो रहा है, किस गैस का हो रहा है हमें पता नहीं है। नीचे हमने द्रोण के अंदर, टब के अंदर पानी भर लिया है और इसके ऊपर मैं ये रखता हूँ। दहन आरंभ है, गैस जल रही है और जैसे जलती जाएगी देखिएगा पानी ऊपर चढ़ने लगा है। और देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ पानी कितना ऊपर चढ़ा। देखिएगा, द्रव अपना तल सदैव समान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जार के अंदर पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। जार में पानी
कितना ऊपर चढ़ा हुआ है? देखिएगा पानी का तल यहाँ पर, पानी का तल बाहर के पानी का तल यहाँ, हमारे जार के पानी का तल यहाँ, आप देख सकते हैं जार के पानी का तल, और यह 8 के आसपास यानी 8 से थोड़ा नीचे। इसका अभिप्राय क्या हुआ? हमने कुल 10 भाग बनाए थे और 8 भाग तक पानी चढ़ा है, यानी 2 भाग पानी चढ़ा। 2 भाग से अभिप्राय उस गैस का दहन हुआ है जो हमारी वायु में 20% के आसपास है। 20% यानी 20% के आसपास क्या होती है? ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि दहन के लिए हमें ईंधन चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दें, 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति समाप्त होते ही यह मोमबत्ती बुझ गई। तो ठीक है बच्चों, समझ गए, यानी दहन के लिए हमारे लिए आवश्यक ईंधन, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन की आपूर्ति। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। बच्चों, हमने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से जाना कि दहन के लिए ईंधन, ज्वलन ताप और वायु में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी अगर कहीं पर दहन को रोकना हो तो इनमें से तीनों आवश्यक पदार्थों में से जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर देना चाहिए। और जहां दहन को बढ़ाना हो वहां पर हमें इनकी आपूर्ति बढ़ा देनी चाहिए। जैसे जब घर में माता जी चूल्हे पर खाना पकाते हुए जैसे ही चूल्हे की आग बुझने लगती है उसमें और लकड़ियां या उपले डाल देती है, इससे क्या होगा? ईंधन बढ़ जाएगा, दहन बढ़ जाएगा और हमारा खाना पकेगा। अगर ईंधन होने के बाद भी ज्वाला कम होती है, आग नहीं जलती है, तो एक पाइप लेकर के वो मुंह से फूंक मारती हैं, हवा मारती हैं, इससे क्या होता है? इससे दहन के अंदर वायु की आपूर्ति बढ़ जाती है और ज्वलन आरंभ हो जाता है। और जहां पर हमें दहन को रोकना हो, अनावश्यक हो, जहां पर जैसे यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जहां उसके कपड़ों में आग लगी हुई है वहां, कपड़े तो अपने आप में दाह्य हैं, हमने धागे को जला करके देखा था, धागों से हमारे वस्त्र बनते हैं, तो दाह्य होने के कारण ये आग पकड़ लेते हैं, उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन लगे हुए कपड़ों के पास वायु की आपूर्ति को रोक दिया जाए तो वह आग बुझ सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे तुरंत कंबल से या मोटे वस्त्र से ढक दिया जाता है और जैसे ही वहां वायु की ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होगी वो आग बुझ जाएगी। प्यारे बच्चों, हमने जाना दहन में ईंधन ज्वलन ताप पा करके जलने लग जाता है और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है। प्यारे बच्चों, जंग लगना भी तो किसी पदार्थ की, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया ही तो है। हमने पहले प्रयोग किए थे कि जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए, वायु में ऑक्सीजन होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यहाँ भी क्या है, हमारा ईंधन ऑक्सीजन से क्रिया करता है। लेकिन दहन जंग लगने से किस प्रकार भिन्न है? प्यारे बच्चों, दहन की प्रक्रिया में जहां पर ऑक्सीजन से क्रिया तो होती है पदार्थों की, लेकिन वहां पर
ऊष्मा और ज्वाला प्रकट होती है। जैसे हमने कागज को जलाया, मोमबत्ती को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जिस जहाँ भी दहन होता है वहाँ पर ऊष्मा के साथ ज्वाला प्रकट होती है, प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश और ऊष्मा दो सह उत्पाद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं, लेकिन जंग लगने की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता। इसलिए जंग लगना यानी धातुओं का संक्षारण हमारे दहन से भिन्न है। और इसी प्रकार से जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हुए हम अंदर ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं और अंदर हमारी ऑक्सीजन भोजन के साथ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करके फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और दहन में भी क्या होता है, हम जो पदार्थ है हमारा दाह्य पदार्थ ज्वलन ताप को पा करके ऑक्सीजन उसके अंदर मिलती है, क्रिया करती है, ऊष्मा ज्वाला पैदा होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। देखने में ये दोनों क्रियाएं समान प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ समानताएं होते हुए भी कुछ विषमताएं हैं, कुछ अंतर है। प्यारे बच्चों, हमारी जो श्वसन जो प्रक्रिया है वह एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यह बहुत धीमे चलती है। जबकि दहन हमारी एक बाह्य प्रक्रिया है, अजैव प्रक्रिया है, अजैव पदार्थों में होती है और यह बहुत तेजी से होती है। हमारे श्वसन में ऑक्सीजन का संयोग कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना उस प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव का अंग है, जबकि दहन के अंदर बिल्कुल आरंभिक शुरुआत से लेकर के अंत तक ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रकार से श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मुक्ति होते हुए भी वह दहन से भिन्न है। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन वह ऊर्जा हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में, तापमान में भी होती है और उसके बहुत से उपयोग होते हैं। जबकि दहन के अंदर ऊर्जा अधिकांश गर्मी के रूप में निर्मुक्त होती है, श्वसन के अंदर जो हमारी ऊर्जा मुक्त होती है वह गर्मी के रूप में बहुत कम होती है, शरीर के तापमान तक होती है, जबकि दहन में यह बहुत अधिक ताप तक जा सकती है। इसलिए हमारे श्वसन में दहन के समान कुछ लक्षण होने के पश्चात भी यह दहन से सर्वथा भिन्न है। प्यारे बच्चों, सूर्य बहुत अधिक ताप देता है, रोशनी देता है, वहाँ ज्वालाएं भी अनुभव की गई हैं और ताप तो इतना, इतने अरबों किलोमीटर दूर होने के बाद यहाँ तक उसका ताप धरती पर हम महसूस कर सकते हैं, तो क्या वहाँ पर दहन होता है? प्यारे बच्चों, सूर्य के ऊपर जो ऊष्मा के निर्मुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वह दहन नहीं है, वह अनेक नाभिकीय अभिक्रियाओं का परिणाम है। इसके लिए हम अगली कक्षाओं में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अग्नि, आग, दहन हमारे मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आरंभ से ऐसा ही था? मानव ने दहन करना कैसे सीखा होगा? हम हमारे सामाजिक अध्ययन विषयों में पढ़ते आए हैं कि आरंभ में मानव अपना भोजन कच्चा ही खाता था, लेकिन जब उसे पता चला पकाया हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है, उसे कैसे पता चला होगा? हो सकता है किसी जंगल की अपने आप लगने वाली आग के अंदर कुछ कंद मूल फल या पशु जल गए हों और उनके बचे हुए भागों को उसने खाया हो तो उसके स्वाद के परिवर्तन का पता चला होगा। तब मनुष्य के मन में आया होगा कि मैं भी इसी प्रकार से इनको पका करके आग में खाऊं। लेकिन वह तो स्वतः होने वाली प्रक्रिया थी। तब मानव ने चकमक पत्थर को रगड़ कर दहन करना सीखा, आग लगाना सीखा, लेकिन वह भी एक जटिल प्रक्रिया थी।
अनेकों बार प्रयास करने के बाद कभी आग जलती होगी। तब मानव ने हजारों लाखों सालों तक अनेक प्रयत्न किए होंगे और अनेक अवलोकन किए होंगे। आज जो हमने क्रियाकलाप किए उसके अंदर हमने माचिस का प्रयोग किया। कितना सहज लगता है एक माचिस के प्रयोग से, जब हम चाहें जहां चाहें आग लगा सकते हैं। क्या यह छोटी सी आग की दहन को आरंभ करने की जादुई डब्बी ऐसे ही सीधी बन गई होगी? इसके लिए भी बहुत से प्रयास किए गए होंगे, तब जाकर के यह इस स्वरूप में आई है। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में लगभग 5000 वर्ष पूर्व ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं। प्राचीन मिस्र के निवासी चीड़ की लकड़ियों को गंधक में डुबाकर, जिस प्रकार से हमारी ये तीली होती है, इसी प्रकार से चीड़ की कुछ लकड़ियां हो सकता है कि वो इससे मोटी रही होंगी। उस समय हो सकता है इतने बारीक इसको बनाने के उपकरण नहीं हों, इतने शोध नहीं हुए हों, तो न्यूनतम अपव्यय करने के लिए हमने इसका छोटे से छोटा आकार रखा। लेकिन आरंभ में चीड़ की लकड़ियों, चीड़ की सूखी टहनियों के ऊपर इस प्रकार से गंधक का लेप लगा करके रखा जाता था और उन्हें विभिन्न पत्थरों से घर्षण करके अग्नि को प्राप्त किया जाता था और जहां आवश्यकता हो लगा दिया जाता था। और उसके बाद धीरे धीरे, अब बड़ी टहनी ली, थोड़ा सा आग को शुरुआत करने के लिए जरूरत पड़ी, बाकी बेकार, इसलिए उसको छोटा करते करते आज हम इस आकार के इस स्वरूप में पहुंचे हैं। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर जो ये रसायन लगा है यह क्या है? यह जब पहले पहले माचिस बनाई गई थी उसके अंदर इस रसायन में जो ये है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एक रसायन, पोटासियम क्लोरेट दूसरा रसायन, श्वेत फास्फोरस तीसरा रसायन, तीन रसायन ध्यान रखेंगे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस, तीनों का लेप इसके ऊपर लगाया जाता था। और यहां पर घर्षण के लिए श्वेत फास्फोरस और कांच का चूरा, कांच का चूर्ण, चूर्णित कांच, यह कुछ चिपकाने वाले पदार्थ के साथ चिपका दिया जाता है, खुरदरा करके, चिकना करके नहीं, खुरदरा करने से घर्षण बढ़ जाएगा और जहां पर घर्षण होता है गर्मी होगी और गर्मी इतनी कि इस रसायन का ज्वलन ताप यह प्राप्त कर ले पदार्थ और जलना आरंभ हो जाए। तो इस प्रकार से इन तीन रसायनों के लेप से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस, उसको चूर्णित कांच के साथ घर्षण करके इस दिया सिलाई का आविष्कार हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, श्वेत फास्फोरस एक बहुत ही हानिकारक रसायन है, इससे विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग होने लगे। जहां पर काम करने वाले मजदूर फैक्ट्रियों में माचिस को जो तैयार करते थे वो बीमार होने लगे, जहां पर माचिस का उपयोग किया जाता था वो बीमार होने लगे। बाद में शोध से यह पाया गया कि हम श्वेत फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग करें। देखिएगा, यह हमारा सिरा, इसका, माचिस की तीली का लगभग लाल, गहरे लाल, गहरे लाल भूरे रंग का होता है और यह भी गहरे लाल भूरे रंग का, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया गया सफेद फास्फोरस को हटा करके। और अब यह रसायन का मिश्रण क्या हुआ? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट और लाल फास्फोरस। अब लाल फास्फोरस का तो ज्वलनांक अधिक होता है, लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर भी लाल फास्फोरस, यहां पर भी लाल फास्फोरस, जब इसके अंदर घर्षण होता है तो यह श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होकर के दहन को प्राप्त कर लेता है। और सबसे पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलता है क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत कम है।
तो जैसे ही दोनों लाल फास्फोरस में घर्षण होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस हानि रहित माचिस का उत्पादन आरंभ किया, इसका आविष्कार हुआ। प्यारे बच्चों, दहन के बारे में कुछ और विशेष क्रियाकलाप, कुछ और गतिविधियों के साथ आपसे अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ते रहें, अभ्यास के प्रश्नों का अध्ययन करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।